जहां एक तरफ मैनपुरी चुनाव को लेकर हर दिन सूबे का सियासी पारा गर्म हो रहा है, वहीं शिवपाल यादव की सुरक्षा में हुई कटौती ने राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया है, क्योंकि कल तक शिवपाल यादव को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी जो कि अब घटकर वाई कैटेगरी की हो गई है। राजनीति के जानकार इसे बहु डिंपल के समर्थन के साइड इफेक्ट के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि शिवपाल यादव न सिर्फ डिंपल यादव को जिताने के लिए प्रचार कर रहे हैं बल्कि बीजेपी के मिशन मैनपुरी में रोड़ा बनकर अखिलेश यादव के साथ मजबूती से खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये पहले सुरक्षा घटाई गई, अब सीबीआई की जांच पड़ताल की बात कह रही है, क्या किसी तरह का दबाव डालना चाह रही है? अच्छा, इनसे अपेक्षा क्या किया जा सकती है? और जितना भी मैंने काम किया है जनहित में, जनता के हित में सब काम किया, और जितना भी काम हुआ है अच्छे से हुआ है, तो उसमें कोई कमी है नहीं, कोई कमी है नहीं, और नियम तय करा सब। तो ये अब आपके माध्यम से मुझे अभी पता चल रहा है, मुझे तो अभी पूरी जानकारी भी नहीं है, तो उससे क्या किया जाए? सरकार ने सुरक्षा क्यों बढ़ा दी? इनसे अपेक्षा क्या की जा सकती है, बताओ। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव को जेड कैटेगरी की ये सुरक्षा 2018 में मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात के बाद मिली थी, लेकिन अब जिस तरह से उनकी सुरक्षा घटी है उससे सवाल बड़ा हो गया है कि क्या बहु डिंपल के लिए प्रचार करने की वजह से ये हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से उनकी सुरक्षा को घटाया गया है उससे सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है, क्योंकि कुछ महीने पहले आजम खान की सुरक्षा में भी कटौती की गई थी। इसके बाद आजम खान की ओर से खुद की जान को खतरा बताते हुए प्रदेश सरकार से सुरक्षा की मांग की गई थी, लेकिन जब सुरक्षा नहीं मिली तो आजम खान ने बची हुई सुरक्षा को भी वापस कर दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सुरक्षा की लड़ाई मैनपुरी उपचुनाव में दिखेगी, क्योंकि सिक्योरिटी घटाकर बीजेपी ने तो शिवपाल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब शिवपाल इसका जवाब कैसे देते हैं, इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है।